तिल के लड्डू तो आपने हजार बार खाए होंगे और शायद हजार बार बनाए होंगे, लेकिन हर बार क्या होता है, तिल के लड्डू के साथ में काफी लोगों के साथ में होता है जिनको जानकारी नहीं होती है, तिल के लड्डू जब बनाने के बाद में ऐसे हो जाते हैं पत्थर जैसे, किसी के सिर में मार दो गया वो, या फिर उसके घूमचे उठ जाएगा। घूमचे के लिए बताना मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में। पर मैं आज जो तिल के लड्डू बनाने वाला हूँ वो बिल्कुल सॉफ्ट रहेंगे, एकदम बढ़िया रहेंगे और सब आपकी तारीफ करने वाले हैं। मतलब ऐसा लगेगा लोग पूछेंगे कि क्या बनाया, क्या आपने, मतलब कहाँ से बनाया, क्या करा। तो चलिए ज़्यादा बोर नहीं करते, आपको सामग्री बता देते हैं। 200 ग्राम ही आपको तिल लेने हैं। अब तिल तीन तरीके के आते हैं, ये है ब्राउन वाले, ये है वाइट वाले। आप वाइट वाले भी ले सकते हैं, ब्राउन वाले भी ले सकते हैं, हल्के ब्राउन होते हैं, पूरे ब्राउन नहीं है ये। और एक ब्लैक तिल आते हैं, बिल्कुल काले होते हैं चिरौंजी के जैसे, वो तो अलग अलग रेसिपी होती है उसकी, वो कुछ और औषधि वगैरह में काम आते हैं। साथ में यहाँ हमने उतना ही गुड़ लिया है, करीब 200 ग्राम हमने गुड़ लिया है, गुड़ को हमने फोड़ लिया है। गुड़ कोशिश करें आपको देसी मिल जाए, मेरे पास देसी गुड़ नहीं है, मैंने यही जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है थोड़ा सा येलो कलर का जो होता है वो लिया है। 20 मैंने यहाँ काजू लिए हैं, ठीक है, और 20 मैंने यहाँ बादाम लिए हैं। 2 चम्मच घी लेंगे घर वाली, ये मतलब 2 टेबल स्पून मान लीजिए, 2 चम्मच मान लीजिए, भर के तो ज़्यादा वादा हो सकता है, कम भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, तिल है ना ये, अगर लड्डू बनाने हैं तो बेस्ट तिल यही होती है। आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये है हमारी हल्की ब्राउन तिल, ये है वाइट तिल, लेकिन लड्डू इसके ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और जो गजक होती है वो इसकी ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसे ज़्यादा थोड़ा सा भून लें अच्छे से, और इसको भी भूनना ही पड़ता है। तो अब सबसे पहले तैयारी कर लेते बनाने की, सारे ज्ञान पेल लिए मैंने, अब कुछ समझ में आया तो ठीक है और नहीं आए तो बता देना। गैस पे कढ़ाई विराजमान कर दी है, सुंदर सुशील वाली, ये पहले लाल थी, पक पक के सामान पका पका के ऐसी हो गई है थोड़ी सी, तो कोई नहीं, आप कोई सी भी ले सकते हैं, नॉन स्टिक है ये। सबसे पहले इस पे जाएंगे तिल, ये हल्के ब्राउन वाले, और इन्हें हम मीडियम लो फ्लेम पर, गैस हाई फ्लेम पे करके पहले कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर ले, फिर तिल डालें, फिर गैस मीडियम लो फ्लेम पे करके इसे चला लें। कितनी देर, थोड़ा सा चलाने के बाद में इसी में हमें ऐड कर देनी है बादाम, और इसी में ऐड कर देने काजू, और इसी में थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देना है, बस मस्त काम हो गया। ये लीजिए, अब यहाँ जान डालने के लिए आप देखिए और भी मेवे डाल सकते हैं, मतलब भी डाल सकते हैं थोड़ा सा, और थोड़ा सा अखरोट भी डाल सकते हैं, और भी जो आपको ड्राई फ्रूट मिल जाए वो भी डाल सकते हैं, पर वो गीले नहीं होने चाहिए, वो ड्राई होने चाहिए ड्राई फ्रूट। तो करीब आपको ये तिल को 3 मिनट देने हैं, तो 3 मिनट हमने इसे अच्छे से रोस्ट कर लिया है। अब देखिए आप जो ये बादाम और काजू है ये अलग से भी कर सकते हैं, पहले गैस कर देते हैं बंद, लेकिन एक साथ करते हैं तो थोड़ा सा टाइम बचता है, और ठीक है बस थोड़ा सा फिर हमें कुछ अलग बर्तन भी यूज़ नहीं लेता है लेना पड़ता है। अब क्या करना है, इसमें से ये काजू और बादाम अलग निकाल लेंगे क्योंकि इन्हें हमें बिल्कुल बारीक पीसना है, और तिल के लड्डू साबुत तिल के बनते हैं लेकिन हम कुछ अलग करने वाले हैं, और गैस बंद करने के बाद में ऐसा नहीं है इसे छोड़ दें आप, नहीं तो नीचे से जल जाएगी, क्योंकि कढ़ाई एकदम से ठंडी नहीं होती, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ये लीजिए कढ़ाई भी ठंडी हो गई है, और नीचे का बर्नर भी, इसे खाली कर लेते हैं एक प्लेट में ये, और इसमें से काजू और बादाम निकाल लेते हैं, फिर करते हैं आगे की तैयारी। यहाँ पर तिल खाली कर लिए हैं बड़े मिक्सी में, तो यहाँ पर तिल खाली करने हैं बड़ी वाली मिक्सी के जार में, और काजू और बादाम हमने खाली कर लिए हैं छोटे वाले जार में। अब इन दोनों को पीस लेते हैं। अब यहाँ पर तिल को हल्का दरदरा रखना है और इनको महीन पीस लेना है। यहाँ पर देखिए ये तिल हमने पीस लिए, ये देखिए हल्के हल्के दरदरे हैं, हल्का सा दरदरा करना है, मतलब 2 बार आप मिक्सी को लो पे चलाना है, 2 बार बस, 2 बार चलाया बंद कर दिया, फिर चलाया फिर बंद कर दिया, इस हिसाब से रखना है आपको। ये देखिए, और ये काजू और बादाम का हमने पाउडर बना लिया महीन। चलिए आगे की प्रोसेस पे चलते हैं। ये हमने कढ़ाई चढ़ा दी है, गरम भी हो गई है, अच्छे से गरम कर ले, 2 टेबल स्पून घी डाल दें, देसी घी डालें, और वो भी गाय का, गाय के घी की तो बात ही अलग है। मेल्ट होने देते हैं घी को, घी मेल्ट होने के साथ ही इसमें जाएगा गुड़,
अब देखिए गुड़ का एक काम होता है कि अगर आप लड्डू बना रहे हैं तो मैं बताऊंगा अभी आपको थोड़ी देर बाद कि गुड़ को किस आपको किस एंगल तक और किस जगह तक गुड़ को पकाना है। गुड़ का ये होता है कि जैसे गजक में अलग हिसाब होता है, लड्डू में अलग हिसाब होता है, तो इसे पका लेते हैं हम अच्छे से, मतलब मेल्ट कर लेते हैं। वैसे भी हमने इस गुड़ को फोड़ के डाला है, फोड़ के डालने से जल्दी से ये घुल जाता है। गैस यहाँ पर क्या करना है आपको, पहले हाई फ्लेम पे गरम कर लेना है, फिर घी डालना है, और फिर घी डालने के बाद में क्या करना है, गुड़ डालना है, और गुड़ डालते ही आपको गैस बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको चलाते रहना है। और इसमें आपको सिर्फ जब गुड़ डालेंगे उसके बाद 3 से 4 मिनट ही लगेंगे, सिर्फ सिर्फ 3 से 4 मिनट ही इसे चलाना है। आगे गुड़ में मैं तो सोचता हूँ किसी दिन कभी कभार कि गुड़ भी घर पे बनाना शुरू कर दूँ। सारी रेसिपी तो घर पे बनाते हैं, मसाले सारे मैं घर पे बनाता हूँ, मतलब साबुत लेके आते हैं मार्केट से, वो तो किसान उगाते हैं और उन्हें पीसते भी घर पे हैं, तो मिलावट से बचे रहते हैं। एक कश्मीरी लानी पड़ती है, बस गरम मसाला, चाट मसाला सब मेरे चैनल पे रेसिपी है। घर पे तो घर की चीज़ का तो फिर कोई मुकाबला ही नहीं है ना। पता नहीं कितनी गंदगी है इस गुड़ के अंदर, इतना साफ गुड़ है फिर भी काला काला, पता नहीं क्या क्या आ रहा है इसके अंदर। और गुड़ भी बनाना, एक दिन गुड़ भी बनाएंगे यार, अगर आप कमेंट करेंगे ना तो मैं एक दिन है ना घर पे ही गुड़ बनाने का हिसाब किताब बनाऊंगा। मतलब आप घर पे भी आसानी से गुड़ बना सकते हैं, और आपको कुछ ही नहीं करना है, इसे लो फ्लेम पे भी लगातार चलाना है। ऐसे नहीं आप छोड़ दें, अगर छोड़ देंगे तो ये नीचे लग जाएगा। अब क्या करना है, बस हमें एक बाउल लेनी है चेक करने के लिए। ये देखिए इस तरीके से पानी में डाल लें और थोड़ा सा इसे इसमें डाल के देखें। ये डाल के थोड़ा ठंडा होने देते हैं जब तक इसे चलाते रहते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको ऐसे बराबर कर लिया है, मिला लिया। अब ये देखिए इस तरीके से खिंच रहा है ना, ये देखिए ये परफेक्ट लड्डू के लिए तैयार। देखिए खिंच रहा है ना, और खिंच के टूट रहा है, इसका मतलब परफेक्ट लड्डू बनेंगे। अब गैस बंद कर देते हैं हम बिल्कुल, और इसे चलाते रहते हैं। गैस बंद करने के बाद भी आपको इसको थोड़ा सा चलाना है, ये नहीं कि आप इसे छोड़ दें गैस बंद करने के बाद में, क्योंकि नीचे बर्नर भी गर्म है और इसका जो कढ़ाई का तला है वो भी गर्म है। बस सिंपली हमको सबसे पहले इसमें डाल देना है थोड़ा सा इलायची पाउडर जो हमने पहले भी डाला था, ये लीजिए खुशबू देने के लिए। फिर जाएगी इसमें ये तिल जो हमने दर्जन करी थी, इसे मिला लेते हैं। ये जाएंगे काजू और बादाम, मिला लेते हैं। अब यहाँ पर आपको अच्छे से इसको थोड़ा मेहनत करके मिलाना है। तो ये देखिए हमने इसे मिला लिया है, अब इसको खाली कर देते एक बर्तन में। ये भी निकाल लेते हैं, तो इसको हमने खाली कर लिया है। और बस आपको क्या करना है, हाथ पे थोड़ा सा घी लगा लेना है, और घी लगाकर इसके छोटे बड़े जैसे भी आप, हल्का गर्म होना चाहिए, और ये काम गर्म गर्म में होगा लड्डू जब भी बंधेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो छोटे बड़े आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बड़े भी बना सकते हैं, खूब बड़े भी बना सकते हैं, इसके 2 लड्डू भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा लगेगा, और गरम गरम में ही ये काम होगा। घी भी लगा सकते हैं आप, पानी भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से इसको आप रोल करके इस तरीके लड्डू बना लें, और इनका जो टेस्ट आएगा वो एक नंबर आएगा, एक बढ़िया सा फ्लेवर आएगा, और ये सॉफ्ट रहेंगे। तो ये सारे लड्डू हमने बांध लिए हैं। अब मैं कुछ आपको लास्ट में टिप्स और ट्रिक्स बता देता हूँ कि आप इनको पानी से भी बांध सकते हैं, पानी हाथ के लगा के, घी से भी बांध सकते हैं। अगर ये ठंडा हो गया तो फिर आपके लड्डू नहीं बनेंगे, इस चीज़ का गरम गरम में ही आपको एक काम करना है। गुड़ की क्वांटिटी हमेशा ज़्यादा रखनी है, तिल की कम रखनी है, इस चीज़ का ध्यान रखें। और साथ में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप 100 ग्राम तिल लेते हैं तो आपको 150 ग्राम गुड़ लेना है, ठीक है। और देखिए कि मेरे तो वीडियो पे आके लोग कमेंट करते हैं, ज़्यादा तेल है, ज़्यादा घी है, फलाना है, ढिमका है, पुछड़ा है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ मैंने कम घी में बनाए, तो इसलिए थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है बनने में इनको। लेकिन आपको क्या करना है, जैसे मैंने 2 टेबल स्पून डाला है ना, तो आपको कम से कम 5 से 7 टेबल स्पून घी डालना है गुड़ के अंदर, तब ये बनेंगे अच्छे से और बढ़िया सी चिकनाई आएगी। तो फ्रेंड्स दोस्तों, अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही रेसिपी पाने के लिए। और फिर बोलना मत कि मैंने आपको बताया नहीं, लास्ट में मैंने बता दिया है, और जिसने लास्ट तक देखा है वही समझ पाएगा, बाकी का तो फिर मैं नहीं जानता हूँ क्या होगा।
मैं आपको एक टिप्स और देना चाहता हूँ कि ये जो लड्डू है ना, इनको खुला ना छोड़ दें। एक एयर टाइट प्लास्टिक का या कांच का ले सकते हैं, उसमें ये लड्डू डाल दें सारे और ढक्कन एयर टाइट लगा दें, तो ये हमेशा सॉफ्ट रहेंगे, भाटे जैसे पत्थर जैसे नहीं हो जाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, चलिए जो बनाया है संक्रांति पे खाकर खत्म करते हैं।